नमस्कार दोस्तों, संगीतामिर्त्रा.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको बैंगन का भरता बनाना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो प्याज लंबे कटे हुए, 8 से 10 पीस लहसुन बारीक कटे हुए, थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करी हुई, 3 से 4 हरे मिर्चे बारीक कटे हुए, थोड़ी सी धनिया कटी हुई, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1 बैंगन। हमने बैंगन में चारों तरफ से अच्छे से तेल लगा लिया है। हमने तेल इसलिए लगाया है क्योंकि ये अच्छे से भुन जाए और इसकी परत अच्छे से निकल सके। अब हम इसको भूनेंगे। गैस को ऑन कर लें। अब हम बैंगन को गैस पे रखेंगे, उसको भूनने दें, तेज आंच रखें। अब हम बैंगन को पलटाएंगे। ऐसे ही चारों तरफ से आप इसको पलटते रहें जिससे हमारा बैंगन अच्छे से भुन जाए। हमारा बैंगन भुन गया है। अब हम इसको छीलेंगे। अब हमने इसको छील लिया है। अब हम बैंगन के भरते की तैयारी करते हैं। गैस ऑन कर लें। कढ़ाई को आप गर्म होने दें। अब देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम उसमें कड़वा तेल डालेंगे। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। कड़वे तेल से वैसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप कढ़ाई में चारों तरफ तेल घुमा दें और उसको गर्म होने दें। तेल गर्म हो गया है। हमने उसमें डाला है जीरा। जीरे को भुनने दें। उसको चला दें। हम डालेंगे इसमें हींग। अब हम उसमें अदरक डालेंगे। हम उसमें लहसुन डालेंगे। अब हम इसको चलाएंगे। अच्छे से चला दें। अब हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब हम फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हमने इसमें प्याज डाला है। अब हम फिर इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे सारे प्याज में तेल अच्छे से लग जाए और वो अच्छे से भुने। हमारा प्याज भुन रहा है। आप एक दो बार उसको चलाते रहें जिससे प्याज नीचे लगने ना पाए। अब हमारा प्याज भुन गया है। अब उसमें धनिया डालेंगे, उसको चलाएंगे। अब हम उसमें हल्दी डालेंगे, फिर उसको हम अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसको चला देंगे अच्छे से। अब हम बैंगन को अच्छे से मैश करके डालेंगे। अब हमने बैंगन मैश कर लिया है। अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे जिससे हमारा बैंगन सारे मसाले में अच्छे से मैश हो जाए। गैस आप मीडियम रखें। अब हमने इसको ढक दिया है। अब आप इसको 4 से 5 मिनट तक पकने दें। अब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे, इसको चलाएंगे जिससे ये कच्चा ना रहे। चारों तरफ से आप चलाते रहें। अब हमारा बैंगन का भरता तैयार है। हम इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ खाते हैं। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई कोई चीज़ बनाएं, तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।